Hi guys, good evening, very good to see you all. Good evening everybody, can somebody please quickly confirm if I'm visible and audible? Hello, good to see you all here. Good to see you guys. सो अभी दिस गोइंग टू बी अ वेरी क्विक शॉर्ट डिस्कशन. मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक नया लॉ इंस्टीट्यूट है विच इज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ और AIL मोहाली. उनके फॉर्म्स अभी रिसेंटली बाहर आए हैं ऑन 1 अप्रैल. सो वॉट इज AIL मोहाली, वॉट इज दिस एग्जाम ऑल अबाउट, शुड यू एक्चुअली फिल द फॉर्म, शुड यू डू इट एज वन ऑफ द टेस्ट. सो देर आर सर्टन फैक्टर्स विच वुड ऑब्वियसली गो अगेंस्ट, देर आर सर्टन फैक्टर्स विच विल गो इन फेवर. सो यू हैव टू टेक द फाइनल डिसीजन, बट आई विल गिव यू ऑल द फैक्टर्स टूडे. ठीक है, मैं आपको सारे फैक्टर्स दूंगा कि वेदर यू शुड फिल द फॉर्म फॉर AIL मोहाली और द आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली और नॉट. ओके, सो आई एम गोइंग टू बी स्टार्टिंग दिस इन जस्ट वन मोर मिनट, दैट एवरीबडी ज्वाइन इन विद अस. फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं एंड देन वील गो एंड डिस्कस कि वॉट इज दिस पर्टिकुलर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, हाउ, वाई इज इट डिफरेंट, वॉट आर दी यू कुड से टॉपिक्स यू हैव टू कवर फॉर दिस एग्जाम. ऑल ऑफ दिस थिंग्स विल बी डिस्कस इन दिस सेशन. Okay, good evening, very good evening to all of you. Good to see you all here. ठीक है, तो इसके जैसे हम एलेट बोलते हैं ना, एलेट दिल्ली को, इसको बोलते हैं AILLET, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, लॉ एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, लॉ एंट्रेंस टेस्ट इज द नेम ऑफ द एग्जाम, AILLET. सो दैट इज द नेम ऑफ द एग्जाम. ओके, चलो लेट्स बिगिन नाउ. थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग अगेन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल यू गैस वुड नो कि वी हैव स्टार्टेड अ न्यू टेस्ट सीरीज ऑल्सो. यू गैस कैन स्टिल बिकम अ पार्ट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज. ठीक है, यू विल गेट 25 टेस्ट ऑन क्लैट, एलेट, एलसैट एंड ऑन स्लैट. दीज आर दी फोर मेजर लॉ एग्जाम्स इन द कंट्री. इन पर आपको 25 टेस्ट मिलेंगे ओवर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स. तो आप इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो अभी भी. एंड उसके अलावा सी दिस इज द कैलेंडर. ये पूरा कैलेंडर है ऑफ द अनअकैडमी लाइट. तो इंडियन डेज पर मॉक टेस्ट करे जाएंगे. ठीक है, दीज आर द डेज ऑन विच वी गोइंग टू डू आर मॉक टेस्ट यूजिंग अनअकैडमी लाइट. एंड दीज आर सर्टेन अवार्ड्स दैट यू गेट फॉर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन एंड देन डूइंग वेल इन द मॉक्स. तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है और आप फिर मॉक्स में अच्छा कर रहे हो, तो ऑन सिलेक्टेड मॉक्स यू विल बी गिवन 1500 रुपीज का अमेजॉन वाउचर फॉर रैंक 1, 1000 रुपीज का वाउचर फॉर रैंक 2 एंड 500 का वाउचर फॉर रैंक 3. दिस विल बी ऑन सर्टेन सिलेक्टेड टेस्ट्स. ठीक है, ये कुछ सिलेक्टेड टेस्ट पर होने वाले. सो दैट एंड इट विल बी अनाउंस लेटर आफ्टर यूर डन विद टेस्ट. उसके बाद ही अनाउंस करा जाएगा सो दैट यू गाइज आर एबल टू यू नो काइंड ऑफ परफॉर्म वेल इन एवरी टेस्ट. नाउ दीज आर सर्टेन क्यूरेटेड क्विजेज जो आप हर शाम को 5 बजे कर सकते हो. टुडे इज द लीगल रीजनिंग क्विज डे. तो इस सेशन के बाद में आई वुड सजेस्ट आप लोग प्लीज ये क्विज कर लेना. टुडे इज ट्यूजडे, यू विल गेट द लीगल रीजनिंग का क्विज टुडे. कल करंट अफेयर्स का क्विज था, ये आप अभी भी कर सकते हो. एंड एवरी डे एवरी वीक डे एट 5 PM वी नीड योर 20 मिनट्स एंड यू कैन गेट 20 मार्क्स एंड 20 क्वेश्चंस एट 5 PM. ठीक है, दिस इज द सेल्फ एनालिसिस सीरीज जो आज मतलब कल से शुरू हुई थी. इट इज गोइंग ऑन टुडे एज वेल. आप लोग ये सीरीज भी डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, दिस इज बेसिकली सम स्ट्रैटेजी डिस्कशन दैट आर गोइंग टू हैपन ऑन एकेडमी. सिमिलरली वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू बैच एज वेल फॉर क्लैट 23 एस्पिरेंट्स. जो लोग क्लैट 23 के लिए यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड टारगेट NLU. दिस इज अ क्लैट 2023 का बैच है ये. ठीक है, क्लैट 23 के लिए जो बेसिकली December 2022 में जिनका एग्जाम होगा, राइट. तो April 6 से ये बैच स्टार्ट हो रहा है विच इज टुमारो. आप लोग अभी भी ज्वाइन कर सकते हो इस बैच को. इट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर you guys to take your education or I would say take your preparation further. Rank boost is another batch for CLAT 22 aspirants. Okay, CLAT 22 ke liye batch rahega. April 6 se ye batch start hoega in 2022. Now, CLAT 24 ke liye jo log prepare kar rahe hain, law and order is your batch. Agar aap log December 23 mein exam doge, to obviously you need to start a little early sometimes because aapko wo ek edge mil jata hai in your preparation. To April 8 se ye start hoega 2022 se. Abhi matlab in like 3 days. अगेन केशव लाइव इज माई कोड. आप मेरा कोड यूज करके इस पर 10% ऑफ ले सकते हो. सारे बैचेस पर आप मेरा कोड यूज करके 10% ऑफ ले सकते हो. आप अगर आपने डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना यूट्यूब वीडियो के, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और उस लिंक को क्लिक करोगे तो आप कोई भी बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एक सेम लिंक से और सेम कोड यूज कर सकते हो केशव लाइव. इट विल गिव यू 10% ऑफ ऑन ऑल द बैचेस.
ये देखो, दिस इज द आर्मी लॉ इंस्टीट्यूट और द आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, AIL मोहाली. ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स. तो आई लुक्स तो डजंट मैटर टू अस नाउ. अब वी विल अंडरस्टैंड एज टू व्हाट इज द एग्जाम, हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, हम लोग कैसे भरेंगे फॉर्म, इफ एट ऑल यू वांट टू फिल इट. सो सी, दिस इज द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म विदाउट एनी लेट फीस. तो मे 10th इज द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म फॉर AIL मोहाली. मे 10th तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो एंड यू हैव मोर देन अ मंथ. मे 16 तक भरते हो तो आपकी 1000 रुपीज एक्स्ट्रा फीस लगेगी, विच इज लेट फीस. मे 16 तक भरते हो तो एक्स्ट्रा 1000 रुपीज फीस लग जाएगी आपकी, राइट? तो ट्राई, इफ यू आर ट्राइंग टू डू दिस, अभी ही कर सकते हो. वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम हियर इज कि ये ना डेट से क्लैश कर रहा है, इट्स क्लैशिंग विद द स्लैट डेट. तो जून 25-22 की एग्जाम है, इट्स ऑनलाइन सेंटर बेस्ड एग्जाम फ्रॉम 9 AM टू 11 AM. नाउ दिस एग्जाम इज ऑनलाइन, आप आराम से दे तो सकते हो, बट 25th को इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्लैट भी है. सो वी हैव स्लैट एज वेल ऑन 25th, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पीपल जो स्लैट भी दे रहे हैं, उनके लिए ये वाला एग्जाम देना. इसके रिजल्ट जल्दी अनाउंस हो जाएंगे, July 7, 2022 को इसके रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे. तो आप लोग July 7 को बेसिकली फाइनली पता चल जाएगा इसमें क्या है. द फीस फॉर फॉर्म फॉर AIL मोहाली इज 3000 रुपीज. अगर आप लेट करते हो तो 1000 रुपीज गेट्स एडेड टू इट इफ यू मेक इट लेट. और अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हो, AIL.ac.in. उसके आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर 3 लिंक्स मिलेंगे. वन ऑफ देम इज द लिंक फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर्म. ठीक है, उसमें से आपको एक लिंक मिलेगा. इसकी जो फीस रहती है कॉलेज की, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.8 लाख्स विद हॉस्टल. ठीक है, दिस इज अप्रॉक्सीमेट फिगर. ये मतलब 1.8 टू 2 के बीच में जा सकते हैं. सो दैट इज विद हॉस्टल, दैट इज द टोटल फीस ऑफ AIL मोहाली. एंड यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस कॉलेज, दिस इज क्लोज टू चंडीगढ़. ठीक है, चंडीगढ़ के क्लोज है कॉलेज. आपका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा आर्मी के लिए थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस रहता है. सो इफ यू आर समबडी हु हैज योर डैड और एनीबडी इन योर इमीडिएट फैमिली और मॉम इन द आर्मी, दिस कॉलेज विल गिव यू प्रेफरेंस, दिस कॉलेज विल गिव यू मोर प्रेफरेंस इन गेटिंग इन टू इट. इट्स अ गुड बैकअप प्लान. ठीक है, आई एम प्रिटी श्योर की योर प्रेफरेंस इज गोइंग टू बी क्लैट और एलिट एंड क्लैट एंड एलिट, बट दिस इज अ गुड बैकअप प्लान फॉर यू गाइज. देखो, इसमें ये वाला प्रॉब्लम है. तो टोटल देर आर 80 सीट्स एवरी ईयर, बट 75 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर आर्मी पर्सनल. ठीक है, मोस्ट ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर आर्मी पर्सनल. और इसमें ऑल इंडिया जनरल की सिर्फ 5 सीट्स है, ओनली 5 सीट्स फॉर ऑल इंडिया जनरल. तो उसमें ये एक थोड़ा बड़ा इशू आ जाता है. सो आउट ऑफ 80 सीट्स, 75 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर आर्मी पर्सनल, है ना? 75 सीट्स आर रिजर्व्ड हियर, एंड ऑल इंडिया जनरल सीट्स में सिर्फ और सिर्फ 5 लोग आते हैं. तो आप ऑल इंडिया मेरिट से अगर जाओगे तो आपके लिए 5 सीट्स है, बट ना बहुत सारे लोग ये एग्जाम देते नहीं है. अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज देर इज सो मच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर्मी पीपल हियर एंड अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स फॉर अदर्स, अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट राइट दिस एग्जाम. सो यू कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड राइट दिस एग्जाम, बिकॉज इसका फीस थोड़ा ज्यादा अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू सम अदर प्राइवेट स्कूल्स, राइट? तो आप डेफिनेटली ले सकते हो. आई हैव फिल्ड द फॉर्म ऑफ स्लैट. नहीं नहीं नहीं, फिर मत करो. अगर स्लैट का भर दिया तो फिर मत करो, है ना? क्योंकि ये सेम डेट पर ही होने वाला है. और अगर स्लैट की डेट आगे पीछे होती है, इसके आगे पीछे होती है, तो फिर भी आप सोच सकते हो, लेकिन अभी मत करना, क्योंकि अगर सेम डेट पर है तो आप दे ही नहीं पाओगे दोनों एग्जाम्स तो, राइट? तो अभी तो फिल जस्ट वन ऑफ देम, नॉट टू. और स्लैट थोड़ा ज्यादा प्रेफरेबल रहता है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से. ओके, जनरल कैटेगरी से एडमिशन था. तो नॉट टू लो, है ना, और नॉट टू हाई. तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो. नाउ दीज आर दी 4 सेक्शंस इन दी एग्जाम. ये 4 सेक्शंस आते हैं एग्जाम में. ठीक है, 4 सेक्शंस कौन से कौन से? देर इज मेंटल एबिलिटी, देर इज जेके एंड करेंट अफेयर, देर इज लीगल एप्टीट्यूड, एंड देर इज जनरल इंग्लिश. सारे 50-50 क्वेश्चन और 50-50 नंबर. तो टोटल एग्जाम 200 नंबर का होता है. ठीक है, टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होता है. एंड मेंटल एबिलिटी, जीके करंट अफेयर, लीगल एप्टीट्यूड और इंग्लिश आता है इसमें मोस्टली. अब इन सब्जेक्ट्स में क्या क्या आएगा, ये तो थोड़े वास्ट टर्म्स हो गई, है ना, जैसे लिटिल वास्ट टर्म. तो इसमें क्या क्या आ सकता है ये समझ लेते हैं पहले. तो मेंटल एबिलिटी में देर इज सीरीज कंप्लीशन. ठीक है, सीरीज कंप्लीट करना, वो आई थिंक आप लोगों ने एनालिटिकल रीजनिंग में पढ़ा होगा. सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डीकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट डायरेक्शन सेंस, है ना, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, कंप्लीशन ऑफ सीरीज. तो इसमें ना क्रिटिकल रीजनिंग नहीं आएगा. देयर इज नो क्रिटिकल रीजनिंग इन्वॉल्व्ड इन दिस.
ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग का रोल नहीं है इसमें। ओके, देर इज नो क्रिटिकल रीजनिंग इन दिस। नाउ उसके अलावा करंट अफेयर्स, और यू कुड से करंट अफेयर्स और जीके दो पार्ट होते हैं इसके। गाइस जस्ट गिव मी वन सेकंड, ठीक है? अभी ये थोड़ा सा एक बार वीडियो पॉज हो जाएगा मेरे को, सिर्फ अब एक मिनट दो, आई विल बी बैक। आई जस्ट पॉजिंग द वीडियो फॉर अ मिनट। आई एम सो ओके। सो करंट अफेयर्स और जीके में क्या आता है, व्हाट डू वी डू जनरली इन करंट अफेयर्स एंड जीके सेक्शन इज, देर इज हिस्ट्री, देर इज आर्ट एंड लिटरेचर, देर इज इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस, एंड ये तो देखो दिस इज मोस्टली स्टैटिक जीके, ठीक है? ये मोस्टली स्टैटिक जीके रहता है। सो दिस इज द स्टैटिक पार्ट ऑफ द जीके। जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है वो इसमें काफी काफी कवर करना पड़ता है, एंड दैट इज प्रॉब्लमैटिक फॉर आई थिंक सम स्टूडेंट्स, बिकॉज जनरली हम क्लैट के लिए इतना पर्टिकुलरली हिस्ट्री इकोनॉमिक्स वगैरह नहीं करते हैं। सो ये एक एक्स्ट्रा रीडिंग हो जाएगी, और उसके बाद में करंट अफेयर्स तो जो नॉर्मली ए लेटर क्लैट के लिए कर रहे हैं वही रहेंगे। करंट अफेयर्स में ज्यादा प्रिपरेशन में चेंज नहीं आएगा, ठीक है? तो कुछ भी करंट अफेयर्स हो, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, ये हम करते ही रहते हैं, ठीक है? वी कीप डूइंग देम, सो देर इज नॉट गोइंग टू बी मच ऑफ अ डिफरेंस। इसका जो क्लैट करंट अफेयर्स का पैटर्न रहता है दैट इज वन लाइनर, ठीक है? करंट अफेयर्स पैटर्न इज वन लाइनर हियर। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड। सो द करंट अफेयर पैटर्न इज अगेन वन लाइनर। नाउ इंग्लिश सेक्शन, दिस इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लाइक we would say CLAT, grammar, synonym, antonym, one word substitution, sentence completion, spotting errors, idioms and phrases. This is apparently the easiest section of this exam. ठीक है, this is the easiest section of this exam. इसमें easy reading comprehension आते हैं, और जो grammar वगैरह के question आते हैं सबसे तेज हो जाता है ये वाला, you could say this part of the paper. सबसे तेज तो वैसे current affairs होता है, but this also does not take a lot of time. तो ये easiest part of the paper है, आप इसको definitely मतलब consider कर सकते हो doing this. And अगर आप एग्जाम दे रहे हो, मेरा सजेशन ये रहता है कि इंग्लिश से स्टार्ट करना चाहिए इसमें। यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद इंग्लिश। अगर आप AIL मोहाली वाला एग्जाम दे रहे हो, इट विल श्योरली हेल्प यू। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प कर जाएंगी इसमें, ठीक है? दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। नाउ ठीक है, तो दिस इज द थर्ड पार्ट। उसके अलावा आई थिंक वी हैव वन मोर पार्ट लेफ्ट, विच इज लीगल एप्टीट्यूड। तो लीगल एप्टीट्यूड में क्या है यहाँ पे, लीगल एप्टीट्यूड आई थिंक आई मिस द स्लाइड, सॉरी। तो लीगल एप्टीट्यूड में क्या होता है, लाइक लीगल एप्टीट्यूड इज जो भी आप क्लैट और एलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज लीगल एप्टीट्यूड। इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है? क्लैट और एलेट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हो उससे बिल्कुल कुछ अलग नहीं आएगा इसमें, है ना? एंड यू गाइस कैन डेफिनेटली डू दिस। अगर आप क्लैट और एलेट के लिए ठीक से प्रिपेयर हो, इसकी अवेयरनेस इजी होती है। इसमें कभी कभी लीगल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस के, तो वो हम ऑलरेडी साथ में करेंगे क्लैट और एलेट के, तो दैट इज नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। तो ये दिस इज द अंडरस्टैंडिंग कि क्लैट और एलेट का जो पेपर है, क्लैट और एलेट का जो पेपर है वो आपको मतलब ठीक से करना पड़ेगा, ठीक है? यू विल हैव टू डू, अगर क्लैट और एलेट के लिए प्रिपेयर करो, यू आर मोर ऑर लेस प्रिपेयर्ड। द एक्स्ट्रा थिंग दैट यू हैव टू डू इन हियर इज स्टैटिक जीके एंड इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग। That is the extra thing that you have to prepare. Analytical reasoning, I think, आप एलेट के लिए तो करोगे। If you are seriously preparing for एलेट, you will do a bit of analytical reasoning also. तो analytical reasoning आपको वहां पर मतलब that would be good enough. अगर जितनी आप analytical reasoning करोगे वो काफी होगी इसके लिए, ठीक है? तो ये लो, ये एग्जाम आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस दैट इज क्लैशिंग विद स्लैट, ठीक है? क्लैशिंग विद स्लैट 22, अभी तक जो इनके डेट्स है वो यही है। अगर इसकी डेट आगे पीछे होती है तो यू कैन डू दिस एग्जाम एज अ बैकअप। अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट राइट दिस एग्जाम बिकॉज में सीट्स बहुत कम है। जैसे हमने देखा कि सिर्फ 5 सीट है ऑल इंडिया जनरल की, बाकी सारी आर्मी पर्सनल की सीट्स हैं। तो अगर आपकी फैमिली में कोई आर्मी में है तो फिर तो यू विल गेट अ गुड प्रेफरेंस हियर। जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, यहाँ पर क्या होता है, यू द कॉर्पोरेट जॉब सेक्टर इज नॉट वेरी मच इनटू अ लॉट ऑफ प्राइवेट। तो कॉर्पोरेट जॉब इज नॉट, यू आई वुड से मच ऑफ अ पॉसिबिलिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। बट यू कैन गो फॉर जुडिशरी, ऑब्वियसली जुडिशरी में तो आप मतलब जा ही सकते हो।
ना, दिस कॉलेज हैज बीन डूइंग रिसेंटली वेल इन सम मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन ऑल्सो. रिसेंटली समबडी टोल्ड मी दैट दे वन द एनएलयू जोधपुर का मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन ऑल्सो, सो दे आर डूइंग रिसेंटली वेल देयर. उसके अलावा लिटिगेशन में आई डोंट थिंक लिटिगेशन में कोई भी कॉलेज बैरियर होता है. लिटिगेशन में एवरीबडी कैन ज्वाइन विद अ लीगल विद अ लॉ डिग्री, तो वो आप कर सकते हो. ठीक है, अकेडमिक्स वगैरह में जा सकते हो. कॉर्पोरेट जॉब में बी अ प्रॉब्लम, कॉर्पोरेट जॉब जॉब में बी अ प्रॉब्लम इन दिस कॉलेज. इट इज नॉट एज यू कुड से, और ऐसा नहीं है किसी को नहीं मिलता, कुछ लोगों को मिल भी जाते हैं, बट नॉट एज मच एज एनएलयूज और नॉट यू कुड से इन टीयर वन टाइप. थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, गेटिंग अ जॉब इज नॉट एज ईजी हियर आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में. तो दैट इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम. बट सिंस इफ यू परफॉर्म वेल इन कॉलेज, अगर आप वन ऑफ द टॉप रैंकर्स हो कॉलेज के, तो फिर आप ठीक कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि कोई चांस ही नहीं जॉब मिलने का. इफ यू आर डूइंग जनरली वेल इन कॉलेज, यू गेट अ गुड चांस टू डू दिस. सीआरपीएफ आपको एक बार इनकी वेबसाइट पर जाके चेक करना पड़ेगा कि आर्मी पर्सनल में क्या क्या आ रहा है ना. आर्मी पर्सनल में तो क्या क्या कवर कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर इफ दे ऑल्सो कवर पैरामिलिट्री, बट एक बार आपको देखना पड़ेगा. दिस इज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, सो यू हैव टू गो एंड विजिट देयर वेबसाइट. वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, दिस इज दी वेबसाइट, इट्स कॉल्ड AIL.AC.IN. ठीक है, AIL.AC.IN. ओके, स्लैट और AIL, आई वुड सजेस्ट स्लैट. ठीक है, मैं स्लैट सजेस्ट करूंगा AIL के ऊपर. बट स्लैट की आई थिंक फीस इज 4 लाख पर एनम, मतलब सिम्बायोसिस की. ठीक है ना, 4 लाख पर एनम फीस है, शायद हॉस्टल इसमें होता नहीं है, तो इट इज अ लिटिल एक्सपेंसिव. तो अगर मनी इज द इशू बहुत बड़ा, तो फिर AIL देते हैं बहुत लोग. बट AIL में द सक्सेस रेट इज वेरी लो बिकॉज देर आर ओनली 5 सीट्स. स्लैट में सक्सेस रेट इज अ लॉट हाई. ठीक है, काफी हाई सक्सेस रेट होती है. तो स्लैट इज अ बेटर बैकअप इन माई ओपिनियन, बट इट इज फाइनली योर डिसीजन. आई एम जस्ट पुटिंग अहेड ऑल द फैक्टर्स इन फ्रंट ऑफ यू कि क्या क्या आपको फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपकी थिंकिंग को व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम, राइट. सो दैट इज इट फ्रॉम माई एंड. इस पर अगर कोई भी आपको और क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे से पूछ सकते हो. 4 लाख में हॉस्टल वहां पर सबको नहीं मिल पाता है ना. तो आई हैव सीन पीपल, आई हैव सम फ्रेंड्स फ्रॉम द कॉलेज हु डू नॉट स्टे इनसाइड द हॉस्टल. वो हॉस्टल में ही रहते, वो बाहर अपना खुद का जो भी मतलब पीजी बोल लो या फिर फ्लैट बोल लो वही लेकर रहते है ना. तो वो एक इशू रहता है. पंजाब यूनिवर्सिटी इज अ बैकअप ऑप्शन, मतलब नॉट अ ग्रेट ऑप्शन, नॉट वेरी गुड ऑप्शन, इट्स अ बैकअप ऑप्शन. ठीक है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी जा सकते हो, बट इट्स ओनली अ बैकअप ऑप्शन, राइट. तो इसके अलावा अगर प्लीज कोई अगर डाउट है तो मेरे को अभी पूछ सकते हो, है ना. AIL मोहाली से रिलेटेड क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर बिल आज रात को करेंगे हम क्लास पे. ओके, चलो, सो दैट इज इट आई गेस. थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग दिस. आई सी यू अगेन एट 6 PM जहां पर मैं डिस्कस करूंगा अबाउट दी फार्म लॉज. ठीक है, फार्म लॉज वाले सेशन में मैं आपसे मिलता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड इफ यू हैव एनी अदर कंसर्न आप इसे बाद में भी पूछ सकते हो एट एनी टाइम, राइट. चलो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अगेन आई एम नॉट टू श्योर, मतलब सी दीज आर नॉट सम ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर लॉ. बट इफ यू वॉन्ट टू स्टे इन दैट एरिया एंड यू वॉन्ट टू लिटिगेट, मतलब ऐसे होता है कि जैसे चंडीगढ़, अगर आपको चंडीगढ़ एंड सॉरी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अगर आपको लिटिगेशन करना है फाइनली, या फिर आपको वहीं का जुडिशरी वाला एग्जाम देना है, तो आपको काफी सारा बेस मिलेगा बिकॉज उस एरिया के जो लॉयर्स है वो वहां से पढ़े हुए होते हैं. अगर आपको कॉर्पोरेट लॉ वगैरह किस हिसाब से पूछना है तो आई वुड नॉट सजेस्ट. ओके, ILS पुणे तो आपको यू विल ILS पुणे तो आपको MHCET के थ्रू मिलता है, सो दैट इज अ डिफरेंट, इट्स अ गुड कॉलेज. ओके, चलो, थैंक यू गाइस, आई विल सी यू अगेन एट 6 o'clock. बाय.